प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। क्लास 11 का हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू किए थे और जो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का मीनिंग और इसके यूज यानी कि उपयोग कहाँ कहाँ पर है ये हम लोग पढ़े थे। कौन कौन से भारतीय गणितज्ञ यानी कि इंडियन मैथमेटिशियन इस पे काम किए हैं उसके बारे में पढ़े थे। कौन यानी कि एंगल के बारे में पढ़े थे और लास्ट हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आइए आज हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यानी कि कोनों की माप। कोनों की माप अभी जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ के एक माप तो जरूर आए हैं और वो क्या पढ़े हैं, डिग्री यानी कि किसी भी एंगल को किसी भी कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं। और सीनियर क्लासेस में कुछ और भी यूनिट कुछ और भी मात्रक हम लोग यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आइए बच्चों एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तीन सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है, एक डिग्री पढ़ना है, दूसरा ग्रेड पढ़ना है और तीसरा रेडियन पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले आपका हो गया सेक्सर डेसिमल या इंग्लिश सिस्टम और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सट द सांसक पद्धति। और इसको अपने भाषा में हम लोग बोलेंगे, अपने भाषा में इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, डिग्री माप, जो कि हम लोग इसको पढ़ के आए। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पिछली क्लास में नहीं पढ़े हैं लेकिन कुछ सिर्फ डिग्री के बारे में हम लोग पढ़े। तो आइए और भी देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग यूज करेंगे। तो इस सिस्टम में समझ गए बच्चों, इस सिस्टम में क्या होता है कि वन राइट एंगल यानी कि आपका एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, जिसको कि हम लोग 90 के ऊपर एक छोटा सा जीरो देकर लिखते हैं। और ये चीज हम लोग पहले से भी जानते हैं, यहां तक हम लोग जानते हैं। फिर इसमें होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट यानी कि 60 के ऊपर आप क्या कीजिए तो एक डैश दे दीजिए, एक डैश का मतलब हो जाता है मिनट और एक मिनट बराबर हो जाता है 60 सेकेंड। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो इसके के लिए हम लोग दो डैश को दे देते हैं। डिग्री के लिए क्या हो गया बात, ऊपर में एक छोटा सा जीरो, मिनट के लिए एक डैश और डिग्री के लिए हम लोग दो डैश को देते हैं। तो क्या क्या रहा इसमें ध्यान से देखिए। तो एक समकोण यानी कि वन राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री 90 डिग्री, एक डिग्री बराबर 60 मिनट 60 मिनट और
एक मिनट बराबर 60 सेकेंड यानी कि 60 सेकेंड होता है। सिंबल भी डिग्री मिनट और सेकेंड का मैं आपको बता दिया। ये आपका हो गया डिग्री मेजर या जो इसका टेक्निकल नाम है, टेक्निकल नाम है सेक्सा डेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, हिंदी में षड्दशांशक पद्धति कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं क्या है। तो दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, और हिंदी में इसको बोलते हैं शतांशक पद्धति। क्या बोलते हैं? शतांशक पद्धति। और इसमें हम लोग क्या लेते हैं तो आइए समझिए। इसमें आपका हो जाता है वन राइट एंगल यानी कि एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड्स। समझ गए क्या होता है? एक नया चीज सीखिए, 100 ग्रेड्स। और इसके लिए हम लोग लिखते हैं जो तरीका होता है, जैसे डिग्री के लिए 0 होता है तो ग्रेड के लिए हम लोग जी लिख देते हैं। फिर आपका 1 ग्रेड बराबर हो जाता है 100 मिनट यानी कि 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर आपका हो जाता है 100 सेकेंड। और मिनट और सेकेंड का जो सिंबल है वही रहता है, मिनट के लिए एक डैश यूज करते हैं और सेकेंड के लिए हम लोग 2 डैश को यूज करते हैं। समझ गए बाबू? तो क्या देखें कि इसमें एक समकोण 1 राइट एंगल बराबर हो जाता है 100 ग्रेड्स, 100 ग्रेड। एक ग्रेड बराबर हो जाता है 100 मिनट, 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर हो जाता है 100 सेकेंड यानी कि 100 सेकेंड। तो दोनों में अंतर है, समझ गए क्या क्या अंतर है? यहां पर मिला लीजिए, इसमें एक समकोण बराबर 90 डिग्री जबकि यहां पर एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट यहां पर 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है, यहां 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, यहां 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। हाँ, तो ये आपका फ्रेंच सिस्टम यानी कि सेंटेसिमल सिस्टम है, या हिंदी में यू कहें कि शतांशक पद्धति में ऐसा होता है। तो 2 तरीका मैं आपको बताया, आइए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं तीसरा तरीका बताऊंगा। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सिस्टम है आपका, ये सिस्टम अब आपका नहीं चलता है, प्रचलन में नहीं है। तो अभी तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा, इसके बाद फिर इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसको हम लोग फिर नहीं पढ़ेंगे। समझ गए? आइए बच्चों, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग तीसरे सिस्टम को समझते हैं क्या है। अब आपका रहा तीसरा, तीसरा आपका होता है सर्कुलर सिस्टम यानी कि वृत्तीय
ETF पद्धति, या इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, रेडियन माप, समझ गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है रेडियन मेजर यानी कि रेडियन माप, टेक्निकल नाम है सर्कुलर सिस्टम यानी कि वृत्तीय पद्धति। क्लास 10 तक हम लोग डिग्री में पढ़ के आए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो तरीका है ये है। इसमें क्या होता है तो इसको हम लोग समझने के लिए एक पहले वृत्त यानी कि सर्किल को बनाते हैं। देखिए ये आपका एक वृत्त है, सर्किल है, हाँ, और इसका जो केंद्र है ये आपका केंद्र O मान लीजिए, और O A इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस, रेडियस क्या है बाबू O A, जिसको हम लोग क्या ले लिए R ले लिए। अब इसी R के बराबर, इस R के बराबर हम लोग एक चाप ले लेते हैं, R के ले लेते हैं, तो इस R के बराबर चाप मान लीजिए कि इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका यहाँ है B, यानी कि ये जो आपका चाप है जो आर्क है ये भी आर्क आपका कितना है तो R ही है। अब ये चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन, समझ गए क्या होता है 1 रेडियन। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं, आपको एक वृत्त यानी कि सर्किल ले लीजिए, इसके सेंटर यानी केंद्र बिंदु O, इस वृत्त की त्रिज्या रेडियस R है, इसी त्रिज्या इसी रेडियस के बराबर हम लोग एक चाप एक आर्क ले लिए, और यह चाप यह आर्क वृत्त के केंद्र बिंदु यानी सेंटर पे जो कोण बनाता है इसी कोण को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं, समझिए 1 रेडियन हम लोग बोलते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए अब हम लोग इसका डेफिनेशन को लिखते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखिएगा, 1 रेडियन सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, जो पावर है जिसे डिग्री के लिए हम लोग 0 दे देते हैं, ग्रेड के लिए जी ले लेते हैं, तो रेडियन के लिए हम लोग सी लेते हैं, समझ गए। तो 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड टू द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या लिखे कि 1 रेडियन यानी कि 1 सी इज एन एंगल सबटेंडेड टू द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, हिंदी में लिखेंगे 1 रेडियन एक रेडियन वह
कोण होता है, एक रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनता है। क्या लिखे बाबू? एक रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनता है। यानी कि जो मैं बताया, ये जो चाप है, यह चाप जो आर्क है इसके रेडियस के बराबर है, और इस चाप द्वारा जो आपका कोण बना, जो एंगल बना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक रेडियन। इसे प्रायः 1C से सूचित करते हैं। एक रेडियन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 1, और पावर में क्या लिख देंगे? तो सी लिख देंगे। ठीक है, तो आइए कुछ और भी हम लोग चित्र बनाकर समझते हैं। तो आपका एक इस तरह से चित्र बनाइए, इस तरह से। ये आपका ओ और ये आपका आर। अच्छा, यहां पर आप इस तरह से एरो ले लीजिए, क्योंकि हम लोग देखे थे कि घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, आपका पॉजिटिव होता है, और घड़ी के चलने की दिशा में ले लेते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। अब क्या है, ये आपका ए है और बी आपका यहाँ, इस तरह से घड़ी के चलने की दिशा में जो एंगल बन रहा है, और ये जो आपका चाप है ना, ये चाप भी आपका क्या है? आर है। तो इस बार जो आपका ये जो आर है आपका, ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या के बराबर आपका चाप है, तो ये जो कोण बनेगा, ये भी कोण कितना बनेगा? एक रेडियन ही बनेगा। समझिए, एक रेडियन ही बनेगा। लेकिन इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? निगेटिव, माइनस देना पड़ेगा। और माइनस इसलिए देना पड़ेगा, जैसे मैं आपकी आपको बताया था कि ये हम लोग घड़े के चलने की दिशा में लिए, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए। इसी तरह से मान लीजिए बाबू, आपका एक इस तरह से सर्किल है ओ ए, ठीक है, ये आर है, और ये भी जो है आपका, ये भी आपका क्या है? आर है, और ये पोजीशन बी है, और इस बार जो ये आपका चाप है, समझिए, जो आपका चाप है, जो आपका आर्क है, ये आपका है 2R। कितना है बाबू? 2R। तो जो एंगल बनेगा यहां पर, तो वो एंगल आपका कितना बन जाएगा? 1R रहेगा तो 1 रेडियन, 2R रहेगा तो 2 रेडियन हो जाएगा, यानी कि 2 पे पावर C, 2 रेडियन। इसी तरह से यदि आप यहां पर ले लेते हैं, इस जगह पे मान लीजिए कि यह सी है, और ये भी जो दूरी है आपका 2R है, लेकिन इस पर आप घड़ी के चलने की दिशा में ले लिए हैं, तब भी आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 2 रेडियन ही बनेगा। लेकिन आपका जो दिशा है वह घड़ी के चलने की दिशा में है, इसीलिए यहां पर हम लोग माइनस सिम लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ रिलेशंस पढ़ते हैं। रिलेशंस क्या है इसको देखिए। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यानी कि डिग्री तथा रेडियन के बीच संबंध, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है हम लोग समझते हैं। तो समझने के लिए आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। हम लोग ये क्या किया, वृत्त बना लिए, सर्किल ले, और इसका जो केंद्र बिंदु है आपका O, और ये जो है आपका A, और ओ ए इसकी हो गया त्रिज्या रेडियस, जिसको हम लोग R से लिख दिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं B, और ये जो है आपका A से B, ये भी आपका किसके बराबर है, तो ये भी आपका R के बराबर। तो आप जानते हैं कि यदि आप O और B को मिलाइएगा तो ये जो कोण बनेगा, यह कोण आपका क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा 1 रेडियन, एक रेडियन कहलाएगा। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए और ये एक नया पोजीशन हो गया C, समझिए, जो नया पोजीशन हो गया वो क्या हो गया, वो आपका हो गया C, और ये जो C है ये आपका हो गया सरल रेखा, यानी कि AOC आपका हो गया एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, समझिए क्या हो गया बाबू, सरल रेखा। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सरल रेखा का कोण कितना डिग्री होता है, तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, या आप यदि समकोण में बात करिएगा तो ये दो समकोण के बराबर होता है। ठीक, एक चीज अब हम लोग और पढ़े हैं, आप बोलेगा सर क्या पढ़े हैं, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, क्लास 10 में नहीं बल्कि 9 में पढ़े हैं कि वृत्त का, यहाँ पर देखिएगा हम लोग दो चाप लिए, क्या क्या चाप लिए, दो आर्क लिए, एक आपका हो गया ये वाला, समझ गए, ये आर्क, यानी कि आपका आर्क ए बी, और एक हो गया आपका ये आर्क, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये वाला, समझ गए, ये आपका आर्क जो है, चूंकि यह आपका एक सरल रेखा हो गया है, तो यह जो आर्क है आपका, इसको अर्धवृत्त का परिमाप कहेंगे, समझ गए, यानी कि सेमी सर्कमफ्रेंस कहेंगे, अर्धवृत्त का क्या हो गया, परिमाप। ठीक, दो चाप है, दो आर्क है। हम लोग जानते हैं कि यदि आप इसके चाप के लंबाई का अनुपात लेते हैं, वह अनुपात बराबर हो जाएगा, वह रेशियो बराबर हो जाएगा उसके द्वारे केंद्र पर बनाए गए कोण के, हाँ, यानी कि क्या मिलेगा आपका, मिलेगा इस प्रकार से कि आर के ए बी, इस तरह से ए आर इसका लिखने का तरीका होता है, समझिए चाप को लिखने का तरीका होता है, आर्क ए बी बटे आर्क ए बी सी, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, चाप ए बी बटे चाप ए बी सी। ठीक, तो चाप ए बी के द्वारा जो बना गया कोण है वह ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, और
चाप आपका ए बी सी के द्वारा जो बना गया कोण है वो क्या है, ए ओ सी। आपका नीचे हो गया ए ओ सी। चाप ए बी या आपका किसके बराबर है, आर के बराबर है, और चाप ए बी सी ये मैं आपको क्या बोला कि आपका अर्धवृत्त नहीं अर्धवृत्त है यानी कि सेमी सर्किल है। आप जानते हैं सेमी सर्किल का ऐसे वृत्त का जो परिमाप होता है जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है वो कितना होता है, 2πr। तो अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है तो आपका कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ये आपका किसके बराबर हो गया, आपका हो गया πr के बराबर। और बराबर AOB, AOB आपका कितना है, ये भाई साहब है आपका 1 रेडियन। और इधर जो है आपका AOC आपका कितना हो गया, एक सरल रेखा हो गया ना, और सरल रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपका हो गया 180 डिग्री। अब देखिए बाबू ये आर आर कैंसिल, अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो आपका 180 डिग्री पाई इंटू 1c यानी कि आपका कितना हो गया पाई रेडियन। कहने का मतलब है कि 180 डिग्री बराबर हो गया पाई रेडियन, यानी कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये आपका डिग्री और रेडियन में एक संबंध हम लोग निकाले, क्या संबंध निकाले बाबू कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। यहीं से कुछ हम लोग और सीखते हैं, क्या और सीखिएगा कि देखिए 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। समझ गए, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे में आ जाएगा यानी कि 180 बटे पाई रेडियन। इसी प्रकार से पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे पाई डिग्री। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया फॉर्मूला बाबू कि एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, और एक डिग्री बराबर 180 बटे एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। समझ गए, तो ठीक है फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। हम लोग पढ़े 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, हम लोग पढ़े एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, हम लोग पढ़े एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। अब देखिए क्या है कि जनरली रेडियन के लिए जो हम लोग सी लिखते हैं ना, तो जनरली यानी कि प्रायः हम लोग सी को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि सी को हम लोग नहीं लिखते हैं, प्रायः जनरली ऐसा हम लोग करते हैं। यानी कि यदि कहीं पर आपका लिखा हुआ रहा है कि इस तरह से 3, समझ गए,
आपका लिखा हुआ है तीन, कि ये आपका दो रेखाओं के बीच में आपका तीन कोण है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह जो तीन लिखा हुआ है, यह तीन आपका डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में। समझिए मेरी बात को, प्रायः हम लोग रेडियन को लिखने के लिए जो सिंबल होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तीन इसका मतलब क्या हो गया, थ्री सी यानी कि तीन रेडियन यानी कि थ्री रेडियन, समझे बात को। तो रेडियन डिग्री के लिए तो आपको डिग्री का सिंबल देना जरूरी है, लेकिन रेडियन के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप सिंबल दें। तो इसको क्या लिखेंगे, जनरली सिंबल ऑफ रेडियन इज ओमिटेड, प्राय रेडियन के प्राय रेडियन के सिंबल सिंबल को हम लोग छोड़ देते हैं, इसको सिंबल को हम लोग प्राय छोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर है। आइए कुछ हम लोग डिग्री है उसका मान को रेडियन में निकालते हैं। मान लीजिए कि आपका है 30 डिग्री और कहता है इस 30 डिग्री को आप रेडियन में निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा बाबू, 30 गुना एक डिग्री लिख सकते हैं, तो 30 गुना एक डिग्री, एक डिग्री का मतलब कितना हो गया पाई बटे 180, इसको काट दीजिए 6 18 यानी कि पाई बाय 3 रेडियन, या इसको सिर्फ और सिर्फ पाई बाय 3 आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पर रेडियन को लिखें। समझ गए बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि आप रेडियन को यहां पर लिखें। फिर इसी प्रकार से आपका मान लीजिए कि 60 डिग्री है, तो कैसे लिखिएगा, 60 गुनी पाई बटे 180 6 18 यानी कि पाई बाय 3, पाई बाय 3 यहां पर आपका कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, समझिए पाई बाय 6 हो जाएगा, ध्यान में नहीं रहा मेरा, पाई बाय 6 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 45 डिग्री है, तो 45 इंटू पाई बाय 180, तो ये आपका कितना बार में कटेगा, 4 बार में, यानी कि पाई बाय 4। तो इस प्रकार से डिग्री को हम लोग रेडियन में बदल सकते हैं, समझे बाबू, हम लोग डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया हो। तो आइए अब हम लोग एक डिग्री का मान रेडियन में और एक रेडियन का मान डिग्री में निकालते हैं कुछ पॉइंट पर। आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 1 डिग्री बराबर, अभी क्या पढ़े थे आप, तो आप पढ़े थे पाई बटे 180 रेडियन। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं 22/7 गुनी 180 रेडियन, ठीक।
मैं पॉइंट तक निकालता हूँ, दशमलव के बाद भी मैं निकालता हूँ क्या क्या होगा फिर, तो देखिए तो आप ये आपका कटेगा 11 और ये 90, तो ऊपर तो आपका 11 हो गया और नीचे कितना हो गया 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63। और अब आपको भाग देना है 630 और इधर जो आपका है 11, ये तो एक बार में नहीं खाएगा, आप दशमलव दीजिएगा तो 0 उतरेगा, फिर भी नहीं खाएगा आप फिर एक दशमलव दे दीजिए तो फिर यहाँ पर 10, तो 6 × 2 = 12, 2 बार में तो नहीं खाएगा, 1 बार में खाएगा 630, 0 से 0 गया 0 आपका, 10 से 3 गया 7, 10 से 6 गया आपका 4 और इस पॉइंट की वजह से फिर आपका 10 आ, ठीक है। फिर देखिए बाबू खेलिए किसका बार में खाएगा, तो आपका 6×5 = 30, आपका कितना हो गया तो 6×5 = 30, 6×36 = 6 × 7 = 42, 6×7 = 42, 7 बार में लगता है खा जाएगा, खिलाइए ये तो आपका हो गया 0, 7×21 का, हाँ 7×21 का 1 आपका रहा 2, आपका रहा 2 और 7×42 और 42 और 2, तो 42 आपका कितना हो गया 44 हो गया, तो 0 से 0 गया 0, 10 से 1 गया 9, 6 से 4 गया 2 और इस पॉइंट की वजह से एक और आप 0 ले लीजिए। अब देखिए बाबू कितना बार में खाएगा, तो 6×18 = 24, 6×5 = 30, 30 तो नहीं खाएगा आपका, 24 भले खा सकता है, तो 6×24 = 24, तो 0, 4×12 = 2, 12×2 हाथ करा है 1 और 6×24 = 25, तो 0, 10 से 2 गया आपका 8 और 8×8 = 5 गया आपका कितना बाबू आपका हो गया 3 और अब इस पॉइंट की वजह से एक आपका 0 और आ गया। अब देखिए तो कितना बार में खाएगा, 6×5 = 30, 6×6 = 36, 6×6 = 36, देखिए तो 6 बार में खाता है क्या, नहीं खाएगा तो 5 बार में खिलाएंगे, तो आपका 0, 6×18 = 8, हाथ कर है 1, 6×6 = 36, 37, हाँ बिल्कुल खा गया 0, 10 से आपका 8 गया 2, इधर तो कट गया हाँ। तो अब यदि आप फिर यहाँ पर दशमलव की वजह से 0 देते हैं तो 2 सही होगा, जबकि आपको खिलाना है 630 से तो और एक 0 देना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा आपको नहीं जाना है। तो फाइनली आप देखिए तो क्या मिल गया, तो आपको 1 डिग्री बराबर मिल गया 0.01746 और यहां पर आप लिख दे रेडियन, यानी कि 1 डिग्री बराबर आपका होता है 0.01746 रेडियन। ये चीज हम लोगों को याद रखना है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या कि 1 डिग्री का मान रेडियन में निकाले, अब 1 रेडियन का मान आप डिग्री में निकालिए, तो कैसे निकालिएगा देखिए, अब 1 रेडियन बराबर कितना दिए 180/π डिग्री, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं 180 नीचे तो आपका पाई का मतलब 22/7, तो 7 आपका कहाँ चला गया ऊपर चला गया, ठीक है, ये आपका सब किस में है डिग्री में है, तो ये जो है कि आपका 2 से काटा 11 और ये आपका 90, तो 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×7 = 63/11 डिग्री, तो भाग दीजिए तो 11×55, 11×55 कितना हो गया बाबू 55, तो 5 और 3, 5×3 कितना 8, 11×7 = 77, ठीक है 77, 80 था 77 हुआ 3 बच गया 3/11 डिग्री, और इसको आप 57 डिग्री + 3/11 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं, आप इसे 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, ठीक बच्चों। अब देखिए ऐसा इसलिए किए क्योंकि रेडियन में तो कोई छोटा यूनिट नहीं है, लेकिन आपका डिग्री में छोटा यूनिट है, मैं आपको बताया था क्या क्या यूनिट है डिग्री में,
डिग्री से छोटा आपका मिनट होता है, मिनट से छोटा आपका सेकेंड होता है, इसीलिए हम लोग सेकेंड तक जाएंगे। अब देखिए तो क्या है, आप क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कि 1 degree = 60 minutes। अब आप वही यूज कीजिए, 57 डिग्री प्लस 3/11 और 60 से गुना कर दीजिए। अब ये आपका किस में हो गया, अब आपका हो गया ये मिनट में, यानी कि आपका हो गया 57 डिग्री प्लस 6/18 180, हाँ 180/11 आपका हो गया मिनट। और इसको तोड़िए बाबू, तो 57 डिग्री प्लस 11 एकम 11, समझ गए, 11 एकम 11, तो कितना बच गया, 60 और 0 आपका हो गया 70। तो 11 6 66, 6 बार में खाएगा, 11 6 आपका कितना हो गया 66, तो आपका 4 बच गया, तो 4/11 और ये आपका हो गया मिनट। तो आप इसको लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट। तो अब आपका कितना हो गया, 57 डिग्री और 16 मिनट को एक साथ लिख दीजिए, समझ गए। और अब देखिए तो क्या है, 4/11 मिनट है ना, आप इसको 60 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। कैसे, क्योंकि आपका एक मिनट बराबर कितना होता है, तो 60 सेकेंड होता है। अब देखिए बाबू कितना हो गया, 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 6 चौके 24 11 सेकेंड, यानी कि 57 डिग्री 16 मिनट प्लस, अब इसको भाग दीजिए तो बाबू 11 × 22, समझ गए, 11 × 22, ठीक है, दो बार में आपका कट गया। और अब यहाँ पर कितना बच गया, तो अब आपका बच गया यहाँ पर कितना, हाँ 22 × 2 यानी कि 2 और 0, तो 2 और 0 आपका कितना हो गया, 20, नहीं कितना हो गया 20, तो 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम कितना हो गया 11, तो कितना बच गया बाबू, तो 20 से आपका जो है 11 चला गया तो कितना 9, और फिर दशमलव दीजिएगा तो अब दशमलव पे कटा दीजिए, इसीलिए कटाइएगा क्योंकि सेकेंड से अब छोटा यूनिट आपके पास नहीं, तो दशमलव दे दीजिए, दशमलव दीजिएगा तो आपका 0 यानी कि 90 हो गया, तो 11/8, हाँ 11/8 आपका 88। तो कहने का मतलब है कि आपका क्या सेकेंड हो गया, तो 57 डिग्री 16 मिनट, और इसको जो है आप समझ गए 21.8 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 22 सेकेंड लगभग, समझ गए लगभग, यानी कि आपका जो है 1 रेडियन बराबर क्या हो गया, तो 57 डिग्री 16 मिनट और आपका हो गया 22 सेकेंड। और यहाँ पर एक सिंबल लिख दीजिए, बल्कि यहाँ पर लिख दीजिए लगभग, मतलब इसी के आसपास आपका होता है। तो हम लोग क्या निकाले बाबू, तो हम लोग निकाले 1 degree के वैल्यू रेडियन में निकाल लिए, और फिर हम लोग 1 रेडियन का मान डिग्री के छोटे यूनिट यानी कि सेकेंड तक हम लोग निकाले, ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए। आइए अब हम लोग कुछ रिलेशंस को पढ़ते हैं, आपका है रिलेशन बिटवीन आर रेडियस एंड एंगल, यानी कि चाप
त्रिज्या तथा कोण के बीच संबंध। आइए हम लोग कुछ पढ़ते हैं क्या क्या संबंध है। तो उसके लिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक वृत्त को बनाते हैं। ध्यान से देखें, एक वृत्त बनाए, सर्किल बनाए, ओ इसका सेंटर है और ओ ए इसका त्रिज्या यानी कि रेडियस है। और यहां पर हम लोग एक ले लिए बी, और ये जो है आपका ए से बी, ये भी आपका आर के बराबर है। तो ऑब्वियस बात है कि आपका कितना हो जाएगा, एक रेडियन हो जाएगा। समझिए एक रेडियन। यहां पर एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग सी, और ए से सी के जो चाप है, इस चाप को आप क्या ले लीजिए, तो आप ले लीजिए एफ। इस चाप को आप क्या ले लीजिए, एफ। और ये जो है, ये जो एंगल, ये एंगल जो बना, इस एंगल को आप ले लीजिए थीटा। समझिए क्या ले लिया, थीटा। तो जस्ट इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आर्क ए बी बटे आर्क ए बी सी, हिंदी में आपका चाप ए बी बटे चाप ए बी सी बराबर। ए बी आपका कितना कोण बनाता है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और आपका ए सी कितना कोण बनाता है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। तो आर्क ए बी, आर्क ए बी आपका किसके बराबर है, आर के बराबर, आर्क ए बी सी आपने क्या ले लिया है, एल ले लिया है। और एंगल ए ओ बी ये आपका कितना है, तो एक रेडियन है। और इधर आपका जो है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी आपका कितना है, यह आपका है थीटा, यह आपका कितना है थीटा। समझ गए, तो क्या मिला आपका, इस तरह से मिला, कोना कोनी आप गुना कर दीजिए, तो आर थीटा बराबर कितना हो गया, एल। समझ गए, एल इंटू वन रेडियन, एल इंटू कितना हो गया बाबू, वन रेडियन, यानी कि थीटा बराबर एल बाय आर। और वन रेडियन का मतलब रेडियन, यानी कि रेडियन। यही आपका एक फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हुआ, तो आपका फॉर्मूला हो गया थीटा बराबर एल बाय आर रेडियन, जहां पर एल क्या है, तो एल आपका एक चाप है, और आर क्या है, तो आर आपका उस वृत्त की त्रिज्या है यानी कि रेडियस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये आपका वी वी आई होता है। भले अभी आपका एम पॉलिटेक्निक या आईटीआई निकालना हो सकता है, अभी आप जस्ट मैट्रिक पास किए हैं, तो बाबू इस चीज को याद रखिएगा जो मैं अभी चैप्टर बता रहा हूँ, इससे भी आपके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटेक्निक और जो पैरामेडिकल के एग्जाम होता है, जो आईटीआई के एग्जाम होता है, इसमें इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। और अब हम लोग एक सिर्फ इस पे एग्जांपल पढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल मैं बुक से लिखता हूं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू। एग्जाम्पल कहता है कि फाइंड द लेंथ
ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। हिंदी में क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल, यानी कि एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करे जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा केंद्रक कोण 15 डिग्री हो। केंद्रक कोण क्या है, 15 डिग्री है, ठीक है। इसको हम लोग बाबू बनाते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए क्या कहता है क्वेश्चन, इसको देखा जाए। पहले इसको फोटो पे बनाइए, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो इस प्रकार से है बाबू, ये आपका एक सर्किल है, ठीक है। ये आपका केंद्र बिंदु और ये आपका ए, ये आपका हो गया आर, और ये आर जो है रेडियस जो है आपका कितना है, ये आपका है 5 सेंटीमीटर। और यह एक आपका चाप है, ये बी, ये चाप की जो लंबाई है जो आर है वो आपका एल है, और ये जो भाई साहब है ये जो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा आपका 15 डिग्री, समझिए 15 डिग्री बन रहा है। तो कहता है कि यह एल आपका क्या होगा, इस एल को हम लोगों को निकालना है। तो देखिए, तो आर बराबर आपका है 5 सेंटीमीटर, एल बराबर व्हाट पूछ रहा है, और थीटा बराबर कितना है, तो थीटा बराबर है 15 डिग्री। याद रहे जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना, कौन सा फॉर्मूला, अभी हम जो एक फॉर्मूला पढ़े ना, थीटा बराबर कितना जी, थीटा बराबर एल बाय आर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, तो इस फॉर्मूला में आप ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब ये थीटा आपका रेडियन में दिया हो। किसमें बाबू, हो रेडियन में। यदि रेडियन में नहीं रहे तो आप इसे रेडियन में बदल लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 15 डिग्री है, ये तो डिग्री में है, तो आप इसे रेडियन में बदलिएगा। तो रेडियन में बदलने का क्या तरीका होता है, इसका तरीका होता है कि आप पाई बटे 180 से गुना कर दीजिए, और अब ये आपका हो जाएगा रेडियन में। और प्रायः हम लोग रेडियन को नहीं लिखते, तो काट दीजिए, 15 एकम 15 3 और 0 30 15 दूनी 30, यानी कि थीटा बराबर पाई बटे 12 आपका हो गया। अब फॉर्मूला देखिए तो क्या होता है, चूंकि थीटा बराबर एल बाय आर, तो थीटा की जगह पे आप लिखे पाई बटे 12, एल तो निकालना है और आपका हो गया आर, तो आर कितना है, तो आर है आपका 5, तो एल बराबर इधर गुना कर दीजिए, तो 5 पाई बटे कितना हो गया 12, और चूंकि यह सेंटीमीटर में है तो आप भी क्या कर दीजिए सेंटीमीटर, और यही आपका हो गया सोल्यूशन। अब यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख के आपको निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि कहीं दिया हुआ रहे कि पाई का मान 22/7 ले लें, तब आप वहां पर 22/7 लेकर इसका वैल्यू निकालिएगा, नहीं तो आप इतना ही छोड़ दीजिए। समझ के बच्चों, तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग एक लास्ट थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों।